वालेकुम आई एम डॉक्टर हक आई एम करंडली वर्किंग एज अ कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट इन नोवेट स्पेशलिस्ट क्लिनिक आज मैं आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है फ्रोजन शोल्डर आम अल्फाज में इसे कंधे का जाम होना कहते हैं कंधे का जाम होना किन वजूहत की वजह से होता है और ये क्या हमारी डेली लाइफ पे क्या इसका इफ़ेक्ट होता है लाइक like, um, जो ये फ्रोजन uh, शोल्डर है ये विद टाइम प्रोग्रेस करता है इसकी पेन और इसकी जो रिकवरी है ये um, इसकी रिकवरी टोटली पॉसिबल भी हो सकती है और uh, और बिल्कुल uh, ये कंटिन्यू रह सकता है तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये किन वजूहत की वजह से होता है इसमें जो इसका प्राइमरी कॉज है वो इडियोपैथिक है जो सेकेंडरी कॉज है इसमें लाइक like, डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है Other than, um, other than that, ये uh, थायरज की वजह से हो सकता है हाइपोथायर की वजह से हो सकता है इसमें आपकी रोटेटर कफ की इंजरी आ सकती है आपकी डिजेनेटिव चेंजेज आ सकती हैं और इसमें इसके अलावा आपकी कैल्शियम डेपोजिशन की वजह से आ सकता है और कोई स्पोर्ट इंजरी हो जाए और एक रेपटेटिव एक्सरसाइज आप करें या रेपटेटिव कोई वर्क कर रहे हैं आप ओवरलोड कर रहे हैं उसकी वजह से ये आपके कॉज हो सकते हैं और ये इसके अलावा मिस से जो रिकवर फीमेल्स होती हैं ये आ, फ्रोजन शोल्डर उनमें ज़्यादा हिट करता है और इसमें ये लाइक फ्रोजन शोल्डर आपको आप कैसे जान सकते हैं कि आप फ्रोजन शोल्डर की तरफ जा रहे हैं लाइक like, अगर आप कोई भी डेली एक्टिविटी करते हैं तो वो उसमें आपको ओवरहेड एक्टिविटीज़ जो हैं लाइक आपको अपना जो बाजू है अपने कंधा है वो आप अगर उठाते हैं आप ओवरहेड लेके जाते हैं तो आपको उसमें मसला मसला आ रहा होता है आप कॉम करते हैं आपको उसमें प्रॉब्लम आ रहा होता है और इसी तरह छोटी मोटी जो आपकी घरेलू एक्टिविटीज़ हैं आपसे वो करना है आपको बहुत मुश्किल इवन आप ड्राइव ड्राइव जब आप कर रहे होते हो तो तब आपके शोल्डर पर प्रेशर आता है लाइक आपके मसल स्टिफनेस आपको होती है तो ये आपकी पेन लाइक जो आपकी पेन एक्जरेट करती है स्टिफनेस होती है जो आपका एक गंदा जाम होना शुरू हो जाता है आपसे पीछे बैग पे आप हाथ लगाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब फ्रोजन शोल्डर की तरफ की सिम्टम्स जाती हैं तो इसमें फ्रोजन शोल्डर की लाइक थ्री स्टेजेस होती हैं जो फर्स्ट स्टेज है उसमें आपको बहुत सफेयर पेन रहता है इवन रात को आपको इतनी शदी दर्द होती है कि आप रात को अच्छे से सो नहीं सकते और इसकी ये जो आपकी स्टेज है इसमें आपकी जो लाइक आपकी जो आ, रेंज ऑफ मोशन है आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी वो थोड़ी लिमिटेड होना शुरू हो जाती हैं और इस ये आ, ये स्टेज तकरीबन सिक्स टू सिक्स टू टू सिक्स मंथ्स के लिए लास्ट करती है और इसके अलावा जो इसकी सेकेंड स्टेज है इसमें आपकी रिकवरी uh, भी हो सकती है और आपकी रिकवरी नहीं भी हो सकती है। और ये जो स्टेज है ये तकरीबन वन ईयर के लिए जाती है और इसमें आपकी जो पेन है वो आपकी लेस हो जाती है और जो आपकी रिस्ट्रिक्शन है कोई भी आप काम करते हैं कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं उसमें आपकी रिस्ट्रिक्शन आती हैं तो इसके अलावा जो थर्ड स्टेज है इसमें आपकी जो एक uh, यकदम एक रिकवरी है वो भी पॉसिबल है और एक रिकवरी uh, बिल्कुल भी इसमें नहीं होती लाइक आपका कंधा बिल्कुल जाम हो जाता है आपको कोई भी एक्टिविटी बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर सकते तो इसमें सबसे ज्यादा क्या बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप इसमें लाइक like, हम जो एक फिजियोथेरेपिस्ट का इसमें क्या रोल है फिजियोथेरेपी सबसे पहले तो इसमें वो उसने लाइक like, आपके सारे टेस्ट करने हैं मैनुअल टेस्ट करने हैं उसमें आपके लाइक like, आपकी शोल्डर आपकी चेक वो स्कैपुलर आपकी अलाइनमेंट चेक करनी है कि कहीं स्कैपुलर विंगिंग तो नहीं आ रही और इसके अलावा आपकी रेंज ऑफ़ मोशन चेक करनी होती हैं और जो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरे या एम करवा सकते हैं एक्सरे में आपको डी चेंजेस आप देख सकते हैं लाइक स्पेस रिडक्शन देख सकते हैं लाइक जो मसल में चेंजेस आई हैं या मसल स्टिफनेस है वो लाइक हम एक्सरे में सच इतना नहीं देख सकते तो इसके लिए जो एक बेस्ट ऑप्शन है लाइक एक बेस्ट एक ट्रीटमेंट है वो फिजियोथेरेपी है एक्सरसाइज है इसमें आपको ज़्यादातर एक्सरसाइज रिकमेंड की जा सकती हैं और अगर मेडिकल ट्रीटमेंट हम अगर इसे देखें तो इसमें लाइक अगर आप कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो वो बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए होगा और लाइक एक्सरसाइज की अगर तरफ आइए तो आप वो आपकी स्पीडी रिकवरी होती है इसे आपको लाइक टाइम लगता है लेकिन जो एक ज़्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट है वो आपका एक्सरसाइज की वजह से ही आता है इसमें लाइक हम एक्सरसाइज में क्या अदर देन एक्सरसाइज इसमें जो एक फिजियोथेरापिस का रोल होता है वो लाइक मोबिलाइज kind of करता है आपके शोल्डर को और डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लाइड्स प्रोवाइड करता है इस तरह आपके फ्रोजन शोल्डर जो आपके फ्रोजन शोल्डर की रिकवरी होती है इसी तरह अगर आपको कभी भी कोई इस तरह कोई सिम्टम लगे कि आपसे कोई ओवर हेड एक्टिविटी नहीं हो रही लाइक आपके शोल्डर में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ रही है आप ठीक से मूवमेंट नहीं कर सकते या आप अपने बैक पे आपको अपने शोल्डर लेके जाने में बाजू लेके जाने में बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है तो आप अपने कंसल्टेंट फिज़िथेरापिस्ट से ज़रूर कॉन्टेक्ट करें और आप अपना अच्छे से डायग्नोसिस करवाएँ और ट्रीटमेंट करवाएँ अल्लाफि